अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जामी क्लासेस। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रहमतुल्ला। आज हम डिस्कस करेंगे शॉपिंग मॉल के बारे में। बहुत से लोगों का अपना एक ख्याल होता है कि हाई स्कूल कंप्लीट कर लिए हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं, अब किसी भी शॉपिंग मॉल में जाके काम कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली होता ये है कि उनको इस बारे में इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होता है, या उनको इस बारे में अवेयरनेस नहीं होता है कि शॉपिंग मॉल के अंदर किस किस तरह का पोजीशन अवेलेबल होता है। तो आज हम उन पोजीशंस के बारे में ही बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट पोजीशंस हैं, ये जिसके बारे में आपको मार्केट में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपको नज़र आएगी। हम उसी टॉपिक से रिलेटेड आज हम बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि वो पोजीशंस के नाम क्या क्या हैं। और इसके हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम इसके डिटेल्स में जाएंगे तो हर पोजीशन का अपना एक अलग रिक्वायरमेंट है, अपना एक अलग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका पर्टिकुलर वीडियोस आपको अपलोडेड मिल जाएगा इसी चैनल में, इसी जामी क्लासेस में। तो जो भी मेरे नए फ्रेंड्स हैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच जाएगी नोटिफिकेशन के साथ। तो गाइस, बिना डिले किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शॉपिंग मॉल में, तो गाइस मैं आपसे बताना चाहूँगा कि शॉपिंग मॉल में बहुत सारी पोजीशंस होती हैं। तो इसमें जो सबसे स्टार्टर जो पोजीशंस होता है वो होता है सेल्स एसोसिएट का। ठीक है, मैं कुछ बेसिक काम भी बताता चलूँगा ताकि आपको भी इसकी जॉब की जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको समझ आ जाएगी। सेल्स एसोसिएट जो होते हैं वो कस्टमर को ग्रीट करते हैं, इनवाइट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं प्रोडक्ट को समझने में, या उनको प्रोडक्ट को समझाते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं उनके अकॉर्डिंग टू बजट। ठीक है, और काउंटर के स्टॉक्स को अरेंज करते हैं सेल्स एसोसिएट, उनका रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करते हैं, उनका इन्वेंट्री तैयार करते हैं या इन्वेंट्री स्टॉक सेल्स एसोसिएट लेते हैं। उनको कुछ सेल्स टारगेट दिया जाता है, ठीक है, कि मंथ में इतना आपको अचीव करना है तो आपके लिए इंसेंटिव होगा, बोनस होगा, ठीक है, या आपको कमीशंस मिलेगा। हर कंपनी के अपना बेसिक रूल्स एंड पॉलिसीज होती है उनके एसोसिएट के लिए, तो उस तरीके से। दूसरा जो सबसे कॉमन पोजीशन होता है वो होता है कैशियर्स का। ठीक है, आप भी गौर करें होंगे, अगर आप कभी शॉपिंग मॉल विजिट किए हैं तो आप भी इस बात से अच्छे से वाकिफ होंगे कि हर शॉपिंग मॉल में एंट्रेंस में या एंट्रेंस के कॉर्नर में जो है कैशियर्स का अपना एक कैश काउंटर होता है, जहाँ पर कस्टमर्स जाके बिलिंग करवाते हैं। ठीक है, अपना प्रोडक्ट उनको देते हैं, जो भी वो परचेस किए हैं वो उनको हैंडओवर करते हैं, वो उसमें से टैग वगैरह रिमूव करते हैं, सिक्योरिटी टैग जो भी होता है रिमूव करते हैं, उसको बारकोड को स्कैन करते हैं और कस्टमर से कैश ट्रांजेक्शन लेते हैं, या मोड ऑफ पेमेंट जो होता है वो कैश भी हो सकता है और कार्ड भी हो सकता है। तो कैशियर का काम बस यही होता है कि उनको एक ओपनिंग बैलेंस दिया जाता है डेली मॉर्निंग में जब वो काम की शुरुआत करते हैं। ठीक है, जब वो अपनी काम की शुरुआत करते हैं तो उनको ओपनिंग बैलेंस दिया जाता है, उसके बाद वो अपनी उसी ओपनिंग बैलेंस से अपना जो दिन की शुरुआत करते हैं अपना, और जितना भी तरह का मोड ऑफ पेमेंट्स हैं, कैश है, कार्ड है, ऐप पेमेंट है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, जिस भी तरह का मोड ऑफ पेमेंट है अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ पेमेंट वो अपना फिर एंड ऑफ द डे वो क्लोजिंग करते हैं, जैसे भी उनका शिफ्ट ओवर होता है, और फिर उनको जो है क्लोज आउट करना होता है विथ ओपनिंग बैलेंस के साथ। तो ये जो है कॉमन सर्विटेंसी होते हैं। और कैशियर की जो और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कैशियर की है, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तीसरी जो मेन पोजीशन होती है जो कि बहुत कम होती है लेकिन होती है, वो होता है इन्वेंट्री कंट्रोलर, जो कि वेयरहाउस में मैक्सिमम बैठते हैं या बैक ऑफिस में बैठते हैं। इनका काम ये होता है जो भी इनवर्ट्स मटेरियल्स आता है शॉपिंग मॉल में या स्टोर में, जो भी इनवर्ट्स मटेरियल्स आता है उनकी इन्वेंट्री करना होता है सिस्टम में, और इन्वेंट्री करने के बाद जो बारकोड निकलता है तो उस बारकोड को अप्लाई करना होता है प्रोडक्ट्स के ऊपर। जब आप शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो आप हर प्रोडक्ट्स पे बारकोड का स्टिकर लगा होता है जिसमें MRP वगैरह लिखी होती है, तो वो बारकोड का काम इन्वेंट्री कंट्रोलर ही करता है। तो इन्वेंट्री कंट्रोलर का काम यही होता है कि वो बारकोड वगैरह को सबसे पहले जो इन्वॉइस वगैरह इन्वर्ट्स करते हैं सिस्टम में इंटर करते हैं, उसके बाद उससे सिस्टम के थ्रू बारकोड प्रिंट करते हैं और उस बारकोड को अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट्स पे, फिर जाके वो प्रोडक्ट जो है रैक पे आके सेल्स एसोसिएट के थ्रू जो है अपने अपने स्टॉक में जो है रैक में अपने अपनी जगह पे आ जाता है, कस्टमर को आसानी के साथ मिल जाता है। उसके बाद है गाइस कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ये इनका जो काम होता है
इनका काम होता है कस्टमर के साथ डील करना होता है, कस्टमर को ग्रीट करना होता है, वेलकम करना होता है, अनाउंस करना होता है प्रोडक्ट्स एंड ऑफर्स के बारे में। और इनकी एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि बहुत सारे शॉपिंग मॉल में या स्टोर में कस्टमर्स को गिफ्ट रैप करने की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, तो ये कस्टमर सर्विस करते हैं। कोई कस्टमर किसी तरह का प्रोडक्ट अगर वहाँ से परचेस करता है और वो चाहता है कि वो उनको गिफ्ट रैप करें, उनके पास टाइम नहीं है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सर्विस जो है अवेलेबल होता है शॉपिंग मॉल या स्टोर्स में। तो ये जो काम होता है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ही करते हैं, और किसी भी तरह का ऑफर प्रमोशन है, ऑफर है, कस्टमर्स को बताना है हमारे पास ये विंटर ऑफर चल रहा है, समर ऑफर है, या हमारे पास क्लियरेंस ऑफर है, डिस्काउंट ऑफर है, ये सारा अनाउंसमेंट कस्टमर सर्विस ही करते हैं। अगर कस्टमर को किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है आफ्टर परचेज, आफ्टर सेल, एक्सचेंज करवाना है या कैंसिल करना है या कैश रिटर्न करना है, तो ये कस्टमर सर्विस के थ्रू ही, इनका अपना एक अलग से डेस्क होता है। और डिटेल में अगर जानना है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के बारे में, तो इसका वीडियो अलग से है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद है गाइस, जो बैकएंड की जो वैकेंसीज में आती है या डिजिग्नेशन होता है वो होता है वेयर हाउस इंचार्ज और वेयर हाउस और क्लर्क। ठीक है, क्लर्क का जो काम होता है वो सिस्टम से रिलेटेड ही होता है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होता है, लेकिन जो इंचार्ज होता है वो पूरे वेयर हाउस का मालिक होता है। उसके अंदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिम्मेदारीज हैं। उसके बाद जो गाइस आता है असिस्टेंट स्टोर मैनेजर आता है, जो मैनेजर का असिस्टेंट होता है। बाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है या बाई वर्क जो होता है वो सिमिलर टू मैनेजर होता है, लेकिन एक्चुअली में बाई डिजिग्नेशन वो असिस्टेंट ही रहता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास भी सिमिलर टू मैनेजर ही होती है। बस फर्क इतना रहता है कि उनकी पहुँच MD तक नहीं होती है, और जो फ्लोर मैनेजर्स होते हैं उनकी पहुँच MD तक ही रहती है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर ही मैं आपको कुछ शॉपिंग मॉल से रिलेटेड जो वैकेंसीज होती है, जो डिजिग्नेशन एंड पोजीशंस होते हैं, मैंने उसको ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब किया हूँ। ठीक है, फ्लोर असिस्टेंट मैनेजर जो होते हैं उनका काम होता है अपना फ्लोर को मैनेज करना होता है, जो मैनेजिंग लेवल का जॉब है, स्टाफ को मैनेज करना है, उनके नीड्स को पूरी करनी है, कस्टमर को भी देखना है, मेंटेनेंस को भी देखना है, और भी जितने भी लीगल वर्कआउट हैं, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है, फैसिलिटी से रिलेटेड है, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो बहुत काफ़ी बड़ा जॉब डिस्क्रिप्शन है, जिसको इस वीडियो में नहीं बता सकते हैं, तो आने वाली वीडियो में ज़रूर से डिस्कस करूँगा, फिलहाल इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी, और आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चैनल।